नमस्कार दोस्तों, आज की रात इज़राइल के लिए कयामत भरी रात साबित हो सकती है, क्योंकि खानुमई ने साफ तौर पर कह दिया है कि महायुद्ध की तैयारी हमने कर ली है। चार मोर्चों से पूरी तरीके से इज़राइल घिर चुका है। इज़राइल को क्या लगा कि वो जो हमले फिलिस्तीन पर कर रहा था, उस हमले के बाद उसे दुनिया ताकतवर देश कहेगी, तो ये बात इज़राइल भूल जाए, क्योंकि आज एक साल इस युद्ध को कंप्लीट हो गया। इज़राइल का घमंड हम्मास की तरफ से तोड़ दिया गया। हम्मास एक छोटा सा संगठन जो इज़राइल से एक साल से लोहा लेता हुआ नजर आ रहा है, इज़राइल को सबक सिखा रहा है। हालांकि इस युद्ध में लोगों की मौत, घर, बिल्डिंग, तमाम वो चीज़ तबाह हो रही है दोस्तों। इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान लोगों का हो रहा है, चाहे वो इज़राइल के लोग हो या फिर फिलिस्तीन के लोग हो या फिर लेबनान में जिस तरीके से इज़राइल की तरफ से अटैक किया गया है। लेकिन आज कहा जा रहा है कि इज़राइल के लिए कयामत की रात हो सकती है। आज कुछ बड़ा धमाका ईरान की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि ईरान के पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट, समर्थन मिला हुआ है। ईरान को मिडिल ईस्ट के कई देशों ने समर्थन दिया, साथ में रूस ने भी अपने सच्चे दोस्त होने का ईरान को एहसास दिलाया। ईरान के सुप्रीम लीडर खानमई जुमा के दिन जब नसरुल्लाह का नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे, तो उनके हाथ में आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, हथियार था। और वो हथियार कहाँ का था, ये खबर अब सामने आई है कि वो हथियार रूस का था। रूस ने वो हथियार सुप्रीम लीडर को पकड़ाया था, ये कहकर कि रूस भी अब उसके साथ है। इराक ने भी समर्थन दे दिया है, तालिबान की तरफ से भी कुछ ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं सीरिया और तमाम जो छोटे मुल्क है, डेनमार्क और तमाम जो मिडिल ईस्ट के छोटी छोटी कंट्रियाँ हैं, वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट दोहा के अंदर जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में भी साफ तौर पर ये निर्णय लिया गया कि इज़राइल ईरान के ऊपर अगर हमला करता है तो वो अपने एयरबेस का इस्तेमाल इज़राइल को करने नहीं देंगे। अब खबर आ रही है कि ईरान जो है वो किस तरीके से आज युद्ध की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को सात फ्रंट वॉर जो है वो किया जा सकता है। सामने से सात लोग जो है, सात कंट्री जो है, वो मिलकर ईरान इज़राइल पर अटैक कर सकती है। नेटवर्क 18 के हवाले से खबर है। नेटवर्क 18 के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरान इज़राइल युद्ध में नया मोड़ आ गया है। चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ इज़राइल है। जंगी बेड़े भी ईरान के तैयार कर लिए गए हैं। इज़राइल के ख़िलाफ़ ईरान की पूरी तरीके से जो तैयारी है वो कर ली गई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से, जी हाँ, अमेरिका की तरफ से हाई अलर्ट कर दिया गया है। आज के दिन हाई अलर्ट है अमेरिका में। इज़राइल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इज़राइल को भी अमेरिका ने चेतावनी दे दी है कि किसी भी तरीके की कोई कोशिश ना करे जिससे मामला बिगड़ जाए। जी हाँ, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को ये तमाम जानकारी साझा की है और कहा है कि ईरान की तरफ से कोई बड़ा हमला, कोई बड़ा अटैक जो है वो किया जा सकता है। 7 अक्टूबर कयामत की रात बताई जा रही है। ईरान से लेकर लेबनान और पश्चिमी एशिया ने ईरान को अपना समर्थन दे दिया है। नेटवर्क 18 के हवाले से ये तमाम खबर निकलकर सामने आ रही है कि फाइनल कदम हिजबुल्ला की तरफ से जो है वो लिया जाएगा, और नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए हिजबुल्ला ने अपना पूरा कमर जो है वो बांध लिया है। 7 मोर्चों पर ये तैयारी पूरी कर ली गई है। एक एक करके मैं आपको तमाम वो जानकारी दूंगी कि आज क्या हो सकता है और किस तरीके से हमास का भी मैसेज आज के दिन सामने आया है। 7 अक्टूबर को लेकर हमास की तरफ से न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आ रही है कि इज़राइल पर हमले को आज एक साल पूरा हो गया है। ये हमारे लिए गौरवशाली दिन है। उनका ताकतवर बनने का जो भ्रम था वो आज टूट गया है, क्योंकि आज हमने ये साबित कर दिया है कि इज़राइल कोई ताकतवर देश नहीं है। वहीं दिलीप मंडल भी आजकल, जी हाँ, नए नए जो भाजपाई बने हैं वो भी आजकल
कुछ ऐसे ही खबरें शेयर कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, कल हिजबुल्ला ने रॉकेट लॉन्चर हमले में इसराइल के 17 सैनिकों को ख़त्म कर दिया। लेबनान की ओर बढ़ रही IDF की एक बटालियन को हिजबुल्ला के लड़ाकों ने निशाना बनाया। जो विजुअल्स दिख रहे हैं उसमें इसराइली सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, वो वीडियो उन्होंने शेयर करते हुए जानकारी साझा की है। वहीं नेतन्याहू अब रो रहे हैं, उनके आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि उनके जो दोस्त देश हुआ करते थे वो अब पीछे हो गए, बैक स्टेप ले लिया है। जी हाँ, वाजिद खान ने नेतन्याहू की वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि नेतन्याहू मैक्रो से नाराज़ है और रो रहे हैं। हमास, लेबनान, यमन जैसे कमज़ोर मुल्कों पर उनके लिए तो यूरोपीय देशों ने इसराइल का साथ दिया था, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका सहित सभी देश इसराइल का समर्थन करने से साफ तौर पर मना कर चुके हैं। इसराइल अब पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है, इसराइल जो है अकेला पड़ गया है। देखिए, टीवी न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आ रहा है कि पूर्वी उत्तरी इसराइल में रॉकेट और मिसाइल हमले के सायरन बज रहे हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि इसराइल के अंदर रॉकेट हमले के लगातार सायरन जो है वो बज रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के हवाले से खबर आ रही है कि रूस ने भेजा ईरान को कवच, खुफिया जानकारी भी करा रहा है ईरान को रूस की तरफ से मुहैया। आज तक के हवाले से दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आती है, इस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे और मतलब बताऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है और किस तरीके से ईरान ने अपनी फुल प्लानिंग बना ली है। कहा जा रहा है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर बड़ा हमला किया, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने वो खबर आपको फौरन बताई। अब कहा जा रहा है कि इसराइल ने कहा है कि ईरान ने भी भारी भूल कर दी है और हम ऐसी जवाबी कार्रवाई करेंगे जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। उनका जवाबी कार्रवाई को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। अब खबर आ रही है कि ईरान ने इसराइल की संभावित कार्रवाई का जवाब देने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है। ईरान ने संभावित इसराइली कार्रवाई का जवाब देने के लिए एक प्लान ऐसा तैयार किया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि ईरान के सशस्त्र बलों के एक जानकार सूत्र ने बताया है कि किसी भी संभावित इसराइली कार्रवाई की कड़ी जवाबी कार्रवाई का प्लान ईरान ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ईरानी सशस्त्र बलों के सूत्र के अनुसार अगर इसराइल कोई कदम उठाता है तो बेशक ईरान अपनी जवाबी हमला ज़रूर करेगा। सूत्र ने खुलासा ये भी किया है कि ईरान की प्लानिंग में कई विशिष्ट जवाबी उपाय भी शामिल हैं जो इसराइल की कार्रवाई की प्रकृति के आधार पर तय किए जाएंगे कि इसराइल कैसा कार्रवाई करता है, उसके बाद ईरान उस पर हमला करेगा। इसराइल ने कहा था कि ईरान के हमले का जवाब वो ज़रूर देगा, लेकिन कब और कैसे देगा ये हमला वो खुद तय करेंगे, इसकी जानकारी इसराइल की तरफ से नहीं दी गई है। चैनल 12 ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इसराइल 1 अक्टूबर को मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए ईरान की ऑयल फेलिसिटी, राष्ट्रपति भवन परिसर, सर्वोच्च नेता आयातुल अली खानमई के आधिकारिक भवन परिसर और रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय को निशाना बना सकता है, ऐसा विचार कर रहा है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ईरान ने उससे पहले ही वो तमाम चीज़ें कर ली है जिससे इसराइल की नींद हराम हो चुकी है। आज की रात इसराइल के लिए कयामत भरी रात हो सकती है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।